राजस्थान में मानसून 3 दिनों से साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब 17 सितंबर से फिर से मानसून के एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में 17 से 19 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ इसे मानसून के सीजन की आखिरी बारिश का दौर मान रहे हैं। इसके बाद मानसून के और कमजोर होने की संभावना है। प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज राजस्थान में मौसम साफ रहेगा, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। IMD की जानकारी के अनुसार 17 से 18 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश होने के आसार हैं। बीते रविवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बादल बरसे। वहीं जयपुर मौसम केंद्र की ताज़ा जानकारी के अनुसार राजसमंद में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई मिली। जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 17 सितंबर को झालावाड़, करौली, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में मेघ गर्जन और चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 सितंबर को भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, करौली के साथ साथ कोटा, चित्तौड़गढ़ में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के शाहपुरा में शनिवार को जलझूलनी एकादशी के मौके पर पहाड़ी पर पीताम्बर राय महाराज के बेवान पर पत्थरबाजी की घटना में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कुछ को प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया गया है। ही घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन ने रविवार देर रात धरना समाप्त किया। जहाजपुर कस्बे में 2 दिन पहले जल झूलनी एकादशी के जुलूस पर पथराव के बाद अब लोकल प्रशासन ने फैसला लिया है कि आगामी आदेशों तक किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा। पुलिस फोर्स को इसलिए तैनात किया गया है कि अगर जरा भी माहौल खराब करने की कोशिश की जाए तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। शनिवार को 2 समुदाय के बीच बढ़ा ये तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जहाजपुर में सांप्रदायिकता की आग थमी तो अब सांगानेर में भड़क उठी है। 12 वफात के जुलूस को लेकर हिंदू संगठनों में रोष है। कल गणेश पांडाल में अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर फेंके जाने का विरोध कर रहे हैं। पथराव के विरोध में जुलूस का रास्ता बदलने की मांग की है। सांगानेर कस्बे में रावला चौक के निकट स्थापित गणेश प्रतिमा के सामने से जुलूस नहीं निकाले जाने की मांग की है। 12 वफात के जुलूस के मार्ग को बदलने की मांग पर हिंदू संगठन अड्डा है। प्रशासनिक अधिकारी समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। मांगे नहीं मानी तो सांगानेर कस्बा बंद रहेगा। सांगानेर चौकी के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई। दरअसल शनिवार को जहाजपुरा कस्बे में पीताम्बर राय महाराज के जुलूस पर पथराव किया गया। इस कारण पुलिस ने जुलूस को रोक दिया, जिसके कारण से सैकड़ों साल पुरानी परंपरा पहली बार टूट गई। इस कारण लोगों में रोष है। ये शोभा यात्रा रविवार को भी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी। इस पूरे मामले को लेकर विधायक और अन्य लोग पहले ही विरोध में हैं। हालांकि पुलिस ने करीब 30 से ज्यादा पत्थराबाजों को डिटेन किया है, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। शनिवार देर रात जहाजपुर इलाके में पुलिस ने अवैध निर्माण पर पीला पंजा भी चलाया। करीब 20 से ज्यादा अवैध खोखे और दुकानें तोड़ दी गई हैं, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई नाकाफी है, जिसके कारण विरोध के चलते बाजार रविवार को भी बंद रहे हैं। लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास गाय को बचाने के प्रयास में रविवार की शाम को अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। स्पीड अधिक होने के कारण गाड़ी 4 से 5 बार पलट गई। हादसे में 4 श्रद्धालु गंभीर रूप घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस द्वारा पोखरण जिला अस्पताल लाया। सूचना मिलने पर लाठी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर घायलों का बयान लेने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू की। जानकारी के अनुसार नागौर जिले के पर्वतसर निवासी महेश, 36 वर्ष पुत्र शिवराज गोवर्धन, 33 वर्ष पुत्र रामाकिशन देवीलाल, 43 वर्ष पुत्र हनुमान राम तथा शिशिथर, 54 वर्ष पुत्र मुरलीधर रविवार सुबह स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर तनोट माता मंदिर दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तनोट माता मंदिर के दर्शन करने के बाद शाम को पुण्य नागौर की तरफ लौट रहे थे। इस दौरान खेतोलाई गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर गाड़ी के आगे अचानक गाय आ गई।
गाय को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण गाड़ी लगभग 4 से 5 बार पलट गई। हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाड़ी में चारों श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर कामधेनु सेना के खेतोलाई ग्राम प्रभारी नीम्बाराम विश्नोई चाचा गांव के सामाजिक कार्यकर्ता शिव पमवार तथा 108 एम्बुलेंस चालक पेमाराम ईएमटी महिपाल बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गाड़ी में फंसे हुए घायलों को बाहर निकालने के बाद आपातकालीन सेवा 108 के माध्यम से पोकरण जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने सभी घायलों का उपचार किया। शहर के छावनी फाटक बाहर डूंगरी रोड पर अरफान सिलेक्शन की छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से प्रवाहित होने वाले करंट की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के इलाके में हाडाड डीएच कंप मच गया। वहीं करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल युवक को परिजनों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक छावनी फाटक बाहर डूंगरी रोड निवासी 19 वर्षीय मोइन खान पुत्र नजीब खान शनिवार देर रात को तेजा मेला देखने के बाद अपने घर पहुंचा था। इस दौरान जब वह घर की छत पर किसी काम से गया तो उसी दौरान घर की छत पर से गुजर रही 11,000 केवी की हाईटेंशन लाइन से प्रवाहित होने वाला करंट मोइन के मुंह से होकर थोड़ी से निकल गया, जिसके कारण उसकी जान बन गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन छत पर पहुंचे तथा उसे उपचार के लिए लेकर राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे उपचार के लिए सीसीयू वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया, जहां पर उसकी हालत में सुधार देखा गया। परिजनों ने इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर की छत से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से पूर्व में भी हादसे हो चुके हैं, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग को गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ओर अब तक कोई ध्यान नहीं जाने के कारण हाईटेंशन लाइन से एक बार फिर से हादसा हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए अंतिम तिथि गुरुवार 19 सितंबर है। योजना में 60 साल से ज्यादा के लोग धार्मिक यात्रा हवाई जहाज व रेल से कर सकेंगे। इसके अलावा वृद्ध दंपति को जोड़े के साथ तीर्थ यात्रा करने का प्रावधान है। तीर्थ यात्रा के लिए जिला स्तर पर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। राज्य सरकार की तीर्थ यात्रा योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक को उनके जीवन काल में एक बार देश के बाहर विभाग के निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक तीर्थ स्थान की यात्रा सुलभ करवाने के लिए राजकीय सुविधा एवं सहायता प्रदान करना है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के आवेदन 4 सितंबर से शुरू किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। योजना के तहत पत्नी सहायक के रूप में यात्रा करे एक वरिष्ठ नागरिक की 75 से अधिक उम्र होने पर परिवार के एक व्यक्ति को सहायक रूप में ले जाया जा सकता है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलवर प्रवास के दौरान आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पहुँचेंगे। जिला कलेक्टर ने सीएम के आगमन को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल के आगमन व सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को खामियां दिखाते हुए फटकार लगाई, साथ ही इन खामियों को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत के कार्यक्रम में शिरकत करने आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अलवर पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन का जायजा लेने पहुंची जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने हेलीपैड पर साफ सफाई व सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। इसके बाद आरएसएस प्रमुख के निवास का जायजा लिया गया। उसके बाद कलेक्टर ने आरएसएस प्रमुख के होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया और मौके पर नाली की साफ सफाई करवाने तथा उनको ढंकने के आदेश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने कांग्रेस विधायक जुबेर खान के आवास का निरीक्षण भी किया। जुबेर खान की 2 दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। आज देर शाम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उनके यहाँ सांत्वना देने जाने वाले हैं।
अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु जिला अस्पताल में एक बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जिले के गीतानंद राजकीय शिशु अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक बच्ची की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। जिले के किशनगढ़ बांस के रामकिशन प्रजापत ने शनिवार को अपनी बेटी नैना को गीतानंद शिशु चिकित्सालय में सुबह इलाज के लिए भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टर ने उपचार करने के बाद दोपहर को उसे बिल्कुल स्वस्थ बताकर छुट्टी दे दी थी। परिजनों का कहना है कि अपनी बच्ची को लेकर किशनगढ़ बांस में अपने घर पहुंचने के कुछ देर बाद बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसकी वजह से उसे आनन फानन में दोबारा अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया, लेकिन देर रात को बच्ची ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए बच्ची का ठीक से इलाज नहीं किया और पूरी तरह स्वस्थ न होने के बावजूद उसे छुट्टी दे दी, जिससे उसकी दोबारा तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।